वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। प्रेस द बेल आइकन ऑन YouTube एंड डोंट मिस अनदर अपडेट। Hello and welcome, you are watching IndianExpress.com and today we'll talk about the Uttar Pradesh politics. Yes, ever since the foundation stone of the Ram Temple in Ayodhya has been laid by Prime Minister Narendra Modi, the non-BJP parties, especially the Samajwadi Party, the Bahujan Samaj Party and also the Congress, they all have been trying to woo the Brahmin votes of Uttar Pradesh. Jahan ek taraf राम मंदिर की बात बीजेपी करती है तो उसको काउंटर करने के लिए बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी परशुराम मंदिर के निर्माण की बात उत्तर प्रदेश में कर रही है। इसके अलावा जो लेटेस्ट एनकाउंटर्स हुए हैं उत्तर प्रदेश में, जिसमें कि विकास दुबे जिसका एनकाउंटर हुआ था अभी रिसेंटली कानपुर के पास, जो कि एक नोटोरियस गैंगस्टर था, उसके एनकाउंटर को लेकर के भी जो है बहुजन समाज पार्टी ये इशू रेज कर रही है कि ब्राह्मण्स जो है वो ज़्यादा टारगेट हो रहे हैं। यू कैन अंडरस्टैंड, अ क्रिमिनल विकास दुबे वॉज अ क्रिमिनल एंड ही वॉज अ किल्ड इन एनकाउंटर एंड बहुजन समाज पार्टी के लीडर जो है वो कह रही है कि ब्राह्मण को स्पेसिफिकली टारगेट किया जा रहा है। अचानक से ऐसा क्या हुआ है कि उत्तर प्रदेश में सारी पार्टियां जो है वो ब्राह्मण वोट्स को वू करने में लग गई है। आई ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन व्हाई एक्चुअली ब्राह्मण्स मैटर इन उत्तर प्रदेश। आई स्पोक टू माई उत्तर प्रदेश कॉरेस्पॉन्डेंट लालमणि वर्मा। लिसन टू आवर कन्वर्सेशन। लालमणि, एक बात बताइए कि अचानक से ये सारे पॉलिटिकल पार्टी जो उत्तर प्रदेश में है, वो चाहे बहुजन समाज पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, ये ब्राह्मण वोट्स को इतना वू करने के पीछे क्यों लग गए हैं? व्हाट इज द रीजन? इसके लिए हमें थोड़ा सा पुराना बैकग्राउंड जाना पड़ेगा इलेक्शंस का। पिछले 18 साल में जितने भी यूपी इलेक्शंस हुए हैं, उसमें ये देखने में आया है कि जो भी पार्टी इलेक्शन विन कर रही है, जो भी रूल पार्टी गवर्नमेंट में आ रही है, टोटल नंबर ऑफ एमएलएज में सबसे ज़्यादा भी ब्राह्मण एमएलए उसी पार्टी के पास होते हैं। ये पुराना ट्रेंड है। लेकिन 1992 में बाबरी डेमोलिशन हुआ था, उस टाइम पे जो राम मंदिर मूवमेंट था, तो उसके बाद बीजेपी के लिए अच्छा एटमॉस्फेयर था। तो उसके बाद 1993 में मेरे पास जो ट्रेंड है, उस टाइम भी बीजेपी के पास सबसे ज्यादा ब्राह्मण एमएलए थे, ठीक है। 1996 में बीजेपी के पास ब्राह्मण एमएलए, बट उसके 1996 के बाद जब वो शिफ्ट शुरू हुआ दूसरी पार्टी की तरफ, एसपी एंड बीएसपी ने राइज करना शुरू किया, तो ब्राह्मण एमएलए उसकी तरफ बढ़ने शुरू हुए। 2002 में एसपी के पास 10 ब्राह्मण एमएलए हो गए, बीजेपी के पास 8 रह गए। 2007 में जब मायावती को मेजोरिटी मिली, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, तो उसके पास मैक्सिमम 20 प्लस ब्राह्मण एमएलए थे, बीजेपी के घट के 3 हो गए थे। 2007 में एक्चुअली 2007 में सोशल इंजीनियरिंग का भी बड़ा वो मायावती का स्टार्ट हुआ था कि ब्राह्मण संघ बजाएगा, दलित हाथी बढ़ता है। वो जी हाँ, तो उसमें तो ये हुआ था कि दलित ब्राह्मण यूपी में ब्राह्मण अराउंड 10-11% है। अपर कास्ट जितनी वोट है उसमें मैक्सिमम ब्राह्मण है, बट वो क्या है कि दूसरे होते हैं ठाकुर से उतने जेल नहीं करते हैं, बिकॉज उनकी सुप्रीमेसी की जो कंफ्लिक्ट चल रहा है वो लंबे समय से चला रहा है, वो इधर इस समय बहुत बढ़ गया है यूपी में। तो वो बट वो दलित के साथ जेल कर जाते हैं, वो यादव के साथ उतना जेल नहीं कर पाते, बिकॉज यादव का क्या है कि जब भी समाजवादी पार्टी सरकार आती है तो यादव डॉमिनेट कर, तो बट ब्राह्मण दलित के साथ वो जल कर जाते हैं, इसलिए मायावती को सोशल इंजीनियरिंग शूट कर गई उस टाइम पर, तो मायावती उसका हेल्प मिल गया। 2007 में ब्राह्मण शिफ्ट हुआ बसपा की तरफ, कारण ये सॉरी 2012 में उसका रीजन ये था कि मायावती ने सडनली मुस्लिम्स को इंपॉर्टेंस देना शुरू किया, मैक्सिमम नंबर ऑफ टिकट्स दे दिए मुस्लिम्स को, उसने उसकी तरफ ज्यादा शिफ्ट वो किया, उसका नतीजा ये रहा कि ब्राह्मण उधर शिफ्ट हुआ और समाजवादी पार्टी को अच्छे वो मिला। 2017 में देख लीजिए, जब एक दोबारा बीजेपी के लिए एक माहौल बना तो ब्राह्मण इधर आ गया। मैक्सिमम आज की डेट में 2017 में आज तक की हिस्ट्री में यूपी के इलेक्शन में मैक्सिमम ब्राह्मण एमएलए इस टाइम पर है, दे आर अराउंड 56 टोटल ब्राह्मण एमएलए इन 403 असेंबली हाउस, और उसमें मैक्सिमम एमएलए आज की डेट में 40 प्लस है बीजेपी के पास अकेले। तो लेकिन जो भी पार्टी रूल कर रही होती था। लेकिन एक चीज लालमणि बताइए कि अभी जैसे अभी हमने देखा कि राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ और 2017 असेंबली इलेक्शन से पहले भूमि पूजन करवाना और एक तरीके से 2-2.5 साल जो भी कंस्ट्रक्शन होगा मंदिर में, और उसके बाद 2024 में लोकसभा इलेक्शन भी आने वाले हैं, तो एक तरह से हिंदू वोट को तो ऐसा लगता है कि बीजेपी ने अपने फेवर में कर लिया है राम मंदिर के मुद्दे को लेकर के। तो इसमें क्या
वाकई में सेंधमारी कर पाएगी बीएसपी और एसपी परशुराम के मंदिर की बात करके, क्योंकि अचानक से हम लोग देख रहे हैं कि परशुराम के मंदिर की बात करने लगी है समाजवादी, तो ये लेकिन डिफिकल्ट कितना डे। जिस दिन पीएम ने इसका शिलान्यास किया अयोध्या में जाके, उसी के कुछ आवर्स के अंदर में समाजवादी पार्टी ने अनाउंस कर दिया कि हम परशुराम की मूर्ति बनाएंगे। वो भी उनके एक ऐसे मिनिस्टर लीडर है अभिषेक मिश्रा, जो मतलब ही इज फ्रॉम आईआईएम अहमदाबाद में, ही वाज अ टीचर फॉर जॉइनिंग पॉलिटिक्स। सो वो बहुत ही एडवांस, उनकी एक इमेज एक अलग तरीके की है, मतलब ऐसा लगता नहीं कि वो बहुत कहते हैं कि रूढ़िवादी होंगे ऐसा कुछ, बट उन्होंने एक टीम बनाई, उसको उन्होंने कोई नाम दिया ब्राह्मण समिति करके, और पीठ ब्राह्मण पीठ से बनाया, और उसके नाम पर परशुराम जी का अनाउंसमेंट किया। तुरंत मायावती भी उस पे आ गई, उनको ब्राह्मण दिखने लगा। तो अब उसको क्या कि आखिर में आप देख लीजिए 56 एमएलए ब्राह्मण है यूपी में, एज नंबर टू हमेशा की तरह बढ़ता है, इसका मतलब कि ब्राह्मण वोटर भी बढ़ रहा है, वो वोट कर रहा है ब्राह्मण को। तो ये 56 एमएलए सारे बीजेपी के या अलग अलग पार्टीज में? नो, 56 ओवरऑल अलग अलग ओवरऑल ब्राह्मण एमएलए जो है वो है। अच्छा, तो उसमें मैक्सिमम आखिर 40 प्लस तो कल बीजेपी के पास। और आज की जो सिचुएशन है उसमें जो ये ठाकुर एंड ब्राह्मण का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, और ब्राह्मण में एक ये धीरे धीरे वो आने लगा कि हमें इग्नोर किया जा रहा है या हमें टारगेट किया जा रहा है, तो वो फेवरेबल सिचुएशन लग रही है समाजवादी पार्टी और मायावती बीएसपी दोनों के लिए, कि इस पे हम खेल सकते हैं पॉलिटिक्स और बीजेपी को हम डेंट कर सकते हैं। तो इसी के लिए उसने जब आज 2018 में एक वालों से रात को हुआ था, उसमें तो मायावती और सपने ब्राह्मण कार्ड खेला था उस टाइम पे कि ब्राह्मण को टारगेट किया जा रहा है, मायावती ने सबसे पहले किया था। अभी जब विकास दुबे का हुआ तो भी मायावती ने कहा ब्राह्मण को टारगेट किया जा रहा है। अभी लास्ट 15th ऑफ अगस्त को एक निषाद पार्टी का एमएलए विजय मिश्रा, ही वाज अरेस्टेड फ्रॉम मध्य प्रदेश, उसने भी अरेस्ट होने से पहले, ही बिलोंग टू ज्ञानपुर भदोही डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी, तो जब वो अरेस्टिंग से एक दिन पहले उसने एक वीडियो रिलीज किया कि मैं ब्राह्मण हूँ इसलिए मुझे टारगेट किया जा रहा है, तो एक ये लगातार ब्राह्मणों में ये शुरू हो गया। तो लेकिन क्या लग रहा है कि जो इसमें, हाँ, तो क्या वाकई में ऐसा है कि जैसे विकास दुबे का आपने कहा कि विकास दुबे का किलिंग हुआ, एनकाउंटर हुआ, या अभी निषाद की बात बोल रहे, तो वाकई में एक क्रिमिनल के मर्डर को लेकर के क्या आप नैरेटिव चेंज कर सकते हैं? ऐसा है क्या यूपी में इस तरीके से? आप मतलब आइडियली नैरेटिव तो नहीं चेंज होना चाहिए, बट क्या है कि ब्राह्मण की जो हमारे यूपी में खासतौर पर ईस्टर्न यूपी में आप जाएंगे तो ब्राह्मण टीचिंग फैकल्टी में काफी है, टीचिंग सरकारी गवर्नमेंट टीचर्स हैं उस प्रोफेशन में ज्यादा है। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो क्लर्क के ऑफिसर्स होते हैं, सॉरी कलेक्ट्रेट का ऑफिस होते हैं, जो लोकल लेवल पर ऑफिस, उसमें ब्राह्मण काफी हैं। तो उनका क्या कि वो अच्छा, ये बहुत वोकल होते हैं कम्युनिटी के लिए, बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, अपने लिए लगे ब्राह्मण को ब्राह्मण की चिंता करनी है, इसके लिए और इसलिए और इसीलिए जब ये हाँ ब्राह्मण प्राइड होता है, ब्राह्मण स्वाभिमान कहते हैं इसको, अभिमान या तो वो है, और ये हाँ हाँ तो ये और ब्राह्मण एक वोकल कम्युनिटी है कि अगर नाकुल के नाराज होकर बोलती है फिर वो चाहे रूलिंग पार्टी के लिए बोल रहा हूँ चाहे अपोजिशन के लिए बोल रहा हूँ, तो ये जब बोलते हैं तो ये आसपास माहौल बना लेते हैं। जिस एरिया में गांव के मैंने तो जैसे गोंडा उसके आसपास देखा है, ब्राह्मण पढ़े लिखे गांव में ब्राह्मण पढ़ा लिखा हुआ है, तो वो अच्छा बोलता भी है और लोगों को इन्फ्लुएंस भी कर लेता है। तो अगर कोई भी पार्टी इनको अट्रैक्ट कर लेती है कुछ तो वो, और उनको लगता है कि हाँ समाजवादी पार्टी अब इसलिए हमारे लिए कुछ कर रही है, तो ठीक है वो उसके लिए बोलना शुरू करेंगे, उसकी थोड़ा सा माहौल बना लेंगे। ठीक है, ये आपकी बात सही है, लेकिन बीजेपी के लिए योगी आदित्यनाथ मतलब एक तो अभी फिलहाल ऐसा लग रहा है यूपी में थोड़ा सा उनका पॉपुलैरिटी कुछ ज्यादा हो गई है, तो बीजेपी इस चैलेंज को कैसे काउंटर करना चाहेगी और कैसे करेगी, क्या स्टेप आदित्यनाथ लेंगे, क्योंकि वो इतनी आसानी से तो ब्राह्मण वोट को छोड़ेंगे नहीं जैसा लगता है, तो उनके लिए चैलेंज कितना है और क्या स्टेप्स वो ले सकते हैं? तो चैलेंज तो इनके लिए ही है, हालांकि इन्होंने क्या किया है कि फिलहाल दिनेश शर्मा को एज अ डिप्टी सीएम एज अ ब्राह्मण उनको प्रोजेक्ट तो करते रहते हैं, बट जो हमारा वहाँ का ब्राह्मण वोटर है वो दिनेश शर्मा को एज अ ब्राह्मण लीडर नहीं मानता। वहां पे एक और मिनिस्टर है ब्रजेश पाठक, वो अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं कि मैं ब्राह्मण मिनिस्टर हूँ, मैं ब्राह्मण लीडर हूँ, बट वो बीएसपी से आए हुए हैं, बट उनमें वो नहीं है कि हाँ ये ब्राह्मण लीडर्स हैं, वो एक इमेज उनकी नहीं है। हालांकि जब भी इन पर एलिगेशन ये लगते हैं कि यूपी गवर्नमेंट में ब्राह्मणों को इग्नोर किया जा रहा है, नेग्लेक्ट किया जा रहा है, तो हमेशा वो उनके जो लोग हैं वो बताते हैं कि नहीं हमको देखिए हमने इस समय चीफ सेक्रेटरी भी ब्राह्मण अपॉइंट किया हुआ है, हमने होम सेक्रेटरी भी ब्राह्मण अपॉइंट किया हुआ है,
हमने पुलिस डीजीपी भी ब्राह्मण अपॉइंट किया हुआ है, तो हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर रहे हैं। बट ब्राह्मण को फील ये हो रहा है कि जब भी हम लोकल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपने किसी काम को लिए कलेक्ट्रेट जाते हैं, तो ब्राह्मण को वहां इग्नोर कर दिया जाता है। वहां पे ठाकुर की सुनवाई होती है, अगर मैं पहुंच गया और ये ठाकुर पहुंच गया, तो पहले ठाकुर बिकॉज सीएम इज ठाकुर, तो उसको इम्पोर्टेंस दी जाएगी, तो वो उसको एक कहते हैं ना हीन भावना सी, वो उसके अंदर आ जाती है कि हमको सेकंड क्लास माना जा रहा है। तो ये काउंटर करने के लिए, बट ये तो फिर आई डोंट थिंक ये इसको कोई इसके लिए कोई बहुत ही मेजर स्टेप लेके आएंगे। जैसे अभी सडनली एक एमएलसी ने बोल दिया कि उनके उनके लिए इंश्योरेंस कराया जाएगा, हालांकि बाद में बैक ट्रैक कर गया बीजेपी के एमएलसी का। तो बट आई डोंट थिंक ये बीजेपी ऐसा कोई बड़ा स्टेप लेगी जिससे ब्राह्मणों को ट्रैक किया जाए। लेकिन एक बात है कि यूपी में मुस्लिम मेजोरिटी भी काफी, मुस्लिम आबादी भी काफी ज्यादा है, और पिछले सारे इलेक्शंस में ये लोग मुस्लिम वोट्स को भी सारी पार्टीज जो है वो थोड़ा सा उनके तरफ ध्यान ज्यादा देते हैं। तो अब चूंकि ये ब्राह्मण और हिंदू का वोट ज्यादा हो रहा है, तो मुस्लिम्स क्या कहीं थोड़ा इग्नोर फील कर पा रहे हैं क्या? उसको कैसे ये लोग फिर एड्रेस कर पाएंगे उनके इशू? जैसे मैंने आपका एक्सप्लेन भी पढ़ा था, मैंने आपका रेडियो एक्सप्लेन, उसमें भी आपने मेंशन किया है कि नाउ दे आर टारगेटिंग ब्राह्मण्स ओवर मुस्लिम्स। तो बेसिकली ये कैसे है, तो फिर इसको कैसे ये लोग आप साथ में लेके चलेंगे? एसपीएनबीएसपी है ना? या एग्जैक्टली। देखिए मायावती इधर देखिए अपने जो स्टेटमेंट्स लगातार दे रही हैं, वो साथ ही साथ मुस्लिम्स के लिए, अगर मैक्सिमम ब्राह्मण के लिए बोल रही है, थोड़ा सा मुस्लिम्स के लिए बोल रही है। ये थोड़ा सा उनके स्टैंड 2019 के पहले से अलग हो गया। 2019 के पहले क्या कर रही थी इलेक्शन लोकसभा से पहले, वो खुल के मुस्लिम से कह रही थी कि आप एक होकर बीएसपी वोट दो। वो प्रेस नोट में मुस्लिम शब्द पर्टिकुलरली यूज हुई थी, अल्पसंख्यक नहीं यूज करती थी, मुस्लिम खुल के बोलती थी। आज की डेट में वो मुस्लिम बोलती है, बट वो ब्राह्मण से थोड़ा सा कम बोल रही है। लेकिन मुस्लिम में ये है कि मुस्लिम समाजवादी पार्टी पे ज्यादा ट्रस्ट करता है एज कम्पेयर टू मायावती। तो मायावती क्या दो बार बीजेपी के साथ जा चुकी है पहले, तो समाजवादी पार्टी ने कभी बीजेपी के साथ वो नहीं किया। और उसको ये भी लगता है कि ये समाजवादी मुस्लिम हमेशा यादव के साथ कंफर्टेबल फील कर लेता है, क्योंकि मुस्लिम को लोकल लेवल पे सुप्रीमेसी के लिए कोई इसको वो नहीं चाहिए, उसका अपनी उसका अपना काम हो जाए, उसकी अपनी सुनवाई हो जाए, उसके यादव उसको वो नहीं चाहिए कि सुप्रीमेसी की मैं थानेदार के पास जाके बोलूँ तो ये काम हो रहा हो। तो वो यादव के साथ जल कर जाता है और समाजवादी पार्टी उसके साथ कंफर्टेबल है। बाबरी मस्जिद का जो भी इशू रहा और मुलायम सिंह ने जो किया, वो आज भी उसको रिगार्ड करते हैं। Exactly. तो वो ठीक है, मुलायम से बीजेपी को कभी वोट चाहिए ही नहीं उनका, मतलब आई एम नॉट सेइंग दैट उनको नहीं चाहिए, बट मतलब वो दे नेवर ट्राई कि हाँ ये आए ही आए, तो ना आए तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, बीजेपी वाले कई बार बोल भी देते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। नुकसान इसमें कांग्रेस का होता है, नुकसान इस पॉलिटिक्स में कांग्रेस का हो जाता है। हालांकि इधर देखिए जितिन प्रसाद ने शुरू कर दिया अपना, उन्होंने भी ब्राह्मण बोल दिया, गवर्नमेंट भी स्टार्ट हो गया और यात्रा। हालांकि पार्टी में थोड़ा सा वो भी उनके रिफ्ट भी हो गया, आज ही हमारे फ्रंट पेज पे स्टोरी आई थी कि देयर इज अ फ्रिक्शन इन द कांग्रेस, क्योंकि वो दलित को जा रहे हैं तो हमें ब्राह्मण को क्यों नहीं। तो इस तरीके से तो बेसिकली अगर कंक्लूड डिस्कशन को कंक्लूड करें तो ये कह के जैसे लोग कहा जाता है कि कास्ट योर वोट बट डोंट वोट योर कास्ट, बट ये एक्चुअली एप्लीकेबल होता नहीं है, लोग अपने कास्ट को ही वोट देते हैं और इसीलिए कास्ट को जो है वो थोड़ा हो, चाहे ब्राह्मण हो या दलित हो यादव हो सब। तो ये है, ठीक है, थैंक यू लालमणि, थैंक यू फॉर ऑल योर इन्फॉर्मेशन। ओके, थैंक्स यू फॉर ज्वाइनिंग अस एंड फॉर मोर न्यूज़ एंड अपडेट, कीप लॉगिंग ऑन टू indianexpress.com। थैंक यू।